हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली हम बहुत सारा बात करना है तुम लोग से, बट कंट्रोल करेंगे अभी फ़िलहाल। इन हाइफन का तुम लोग का रिक्वेस्ट किधर जा रहे हो, बहुत सारा अलग अलग वीडियो का। तो अभी फ़िलहाल के लिए नो डाउट करते हैं जो सॉन्ग है, तो बहुत सारा आगे वीडियो आने वाला है, तो रेडी रहना। इन हाइफन का नो डाउट ऑफिशियल MV 13 दिन ही पहले आया है, और मेरे को कमेंट में एकदम जंग चल रहा था अलग अलग सॉन्ग के लिए, तो आज हम चूज किए। ऐसे नॉर्मली तीन ऐसे कभी ये लोग एल्बम ड्रॉप करेगा ना, बताना, हम इन लोग को फुल एल्बम पे रिएक्ट करेंगे, उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा एक सिंगल MV से ज़्यादा। इसका रिक्वेस्ट मेरे को कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, ठीक ना, इसलिए हम रिएक्ट कर दे रहे। बट जब भी कोई ये लोग एल्बम ड्रॉप करे, या तुम लोग को कोई इन हाइफन का जो फेवरेट एल्बम या EP जो भी, ठीक ना, प्लीज़ मेरे को वो कमेंट में बताओ, हम जरूर सुनेंगे। या कोई भी तुम्हारा एक काम करो, अपना फेवरेट एल्बम भी कमेंट में बता दो, हम डेफिनेटली सुनेंगे। अगर वो मेरा रिएक्शन के दायरे से, जैसे इस चैनल पे जो जो हम रिएक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉनरा है जो मोस्टली के पॉप ही हम रिएक्ट करते हैं, या जापानीज या कुछ सॉन्ग, अगर उस जॉनरा के बाहर हुआ तो हम पर्सनली उसको ज़रूर सुनेंगे। बट तुम लोग एक बार कमेंट में डालो उसका, एकदम डेफिनेटली हम वो सुनेंगे। तो अभी टाइम है, जाके कमेंट में कर दो कि तुम्हारा फेवरेट एल्बम कौन सा है। और एल्बम रिएक्शन आने वाला है, बेबी मॉन्स्टर का एल्बम रिएक्शन आने वाला है, ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, ये सिगरेट रखते हैं, ये ज़्यादा मतलब बेबी मॉन्स्टर का आने वाला रिकॉर्ड हो गया, अच्छा एल्बम था, क्रेजी एल्बम था बोल सकते हैं, पर लेट्स गो। और मेरा हेयर अप कर लिया हम फिर से, चेंज चेंजेस। ये लग का भी हेयर अप है आज के वीडियो में, सबका हेयर अप है। Girl, where you at? 해가 떠서질 때까지. Girl, where you at? 해가 떠서질 때까지. 내 계속 불안해, 말이 해놔도 돼, 미치겠어, miss you. 눈부신 내 아주 내겐 영원 같은 waiting. 겨우칸이 fade, 너를 그리는 daydream. 널 원하면 원할수록 I feel so lovely. 시작되는 망상들은 끝까지 날 push me. 지옥 같은 시간에 난 깨달아. 날 때건 밤이 됐건 의심 없이 I love you. I know the whole night up. No worry. 왜 love bite 거 계속 represent 해야 해, 왜 visually? मजाक नहीं करेंगे। मेरा एक आदत है, तुम लोग को पता ही है, कि हम कोई भी गाना सुनते हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बना लेते हैं, कि हम बोलते हैं ये इस टाइम पे सुनने वाला म्यूज़िक है, ये इस टाइम पे सुनने वाला म्यूज़िक है, ये डेफिनेटली मूड सेट करने वाला म्यूज़िक है, एकदम ये मूड सेटिंग के लिए परफेक्ट है। कि तुम कहीं भी, जैसे कोई भी एकदम चिल्ड क्लब घुस रहे हो ना, जैसे एकदम साइलेंट बार भी घुस रहे हो, उसमें ये पीछे धीरे धीरे चलता है, जैसे एक तरह से ले लो एक के पॉप कैफे भी घुस रहे हो, ठीक ना। तुम सोचो तुम कहीं इंडिया में हो, एक के पॉप क्या बोल रहे हो, के पॉप कैफे में तुम एंटर कर रहे हो, ठीक ना, ओपन वाला नहीं, जो क्लोज वाला रहता है, ठीक ना, उसमें तुम एंटर कर रहे हो और ये धीरे से बज रहा है, ठीक ना, डेफिनेटली मूड सेट कर देगा ये कि हाँ एक है। तो ये डेफिनेटली उस टाइप का सॉन्ग है, और
नो डाउट टाइटल देख के लग रहा है कि थोड़ा सा हाइप सॉन्ग होने वाला है। लिरिक्स देख के लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब रोमांटिसाइज होने वाला है, पर वीडियो देख के कुछ और लग रहा है। मतलब तीन डिफरेंट व्यू वे में जा रहा सॉन्ग, और बीट अपना ही मजा कर रहा है। मतलब बहुत सारा एलिमेंट का मिक्सचर है, पसंद भी आ रहा है हमको डेफिनेटली। तो ये म्यूजिक आर्ट। Tell me what you want. 원하면 내 사랑은 어제 얼마든 prove it. 백 번 아니더 전부 너 the replay, girl. 달콤했던 밤을 지나 널 보내 다시 멀어지는 너를 따라 스며들어 crazy. 반복되는 시차 속에 난 깨달아 아직 될건 밤이 될건 의심 없이 I love you. Ain't no doubt. हमको एक चीज बहुत फनी लगता है, के ड्रामा भी देखते हैं ना, मतलब कि सी ड्रामा, मोस्टली सी ड्रामा में ये चीज होता है। हमको हंसी आ जाता है अंदर ही एक, कि जब मेन कैरेक्टर जो मार वार खाता है उसमें टिक ना कहीं एकदम पंचिंग चलता है, उसको चोट आ जाता है पर बाल हमेशा सेट रहता है उसका। हाओ मतलब हमको बहुत बार ये मतलब रैंडमली हंसी आया है। मतलब फनी सीन भी नहीं चल रहा है, एकदम विलन हीरो को मारने जा रहा, पंच वन चल रहा है, खून निकल गया एकदम नकली खून, एकदम एकदम कैसे बोले, अट्रैक्टिव लगने वाला। उसको चोट लगा ठीक ना, वो चोट लगा है ठीक ना, उसका बाल कैसे सेट है, हमको कोई लॉजिक समझाओ यार कोई। एकदम छोटा सा बात है कि फाइट हुआ है, बाल तो बिगाड़ दो। उसका तो बाल हमेशा सेट रहता है। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये मजा, ये फॉन्ट अच्छा लगा हमको। ये कोई ईपी लग रहा है हमको देख के, रोमांस अनटोल्ड, डे ड्रीम। डे ड्रीम, डे ड्रीम सुना सुना क्यों लग रहा है, ए जे होप का सॉन्ग है। ओके वो भी सोचे, डे ड्रीम सुना सुना क्यों लग रहा है। नाइस, देखे कमेंट में फालतू चलते रहता है कि ये लुक सो हैंडसम फलाना ढिमकाना, इसलिए हम कमेंट पढ़ने का मन नहीं करता। के पो वीडियो का वी कैन टॉक अबाउट हाउ इन एफ एन मैन। देखो ये एक चीज सेंसेबल है कि कौन किसको कितना लाइन मिल रहा है, बट हम चाहते हैं ना हर जो ये चीज होना बंद हो जाए। मतलब केपॉप में ना ये चीज होना चालू हुआ है तो ये म्यूजिक खराब करता है ठीक ना। ये चीज हमेशा म्यूजिक खराब करता है कि सबको इक्वली लाइन मिलना चाहिए, सबको ये होना चाहिए। कोई इंक्लूजन इम्पोर्टेंट है कि हर एक मेंबर इंक्लूड, मतलब म्यूजिक का जो चीज में जो वोकली एजुकेशनली इंक्लूड हो, जरूरी नहीं है हर बंदे को इक्वली लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि म्यूजिक का टेस्ट एकदम ऐसा होता है ना कि एक म्यूजिक जो रिप्रेजेंट करता है
एक मेंबर का लाइंस कम ज़्यादा करने के लिए ना वो बहुत डिफरेंट साउंड कर सकता है, तो हमको वो चीज़ पसंद नहीं है जब इको जब फैंस एकदम चाहते हैं कि एकदम इक्वली लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो, कि ही इज़ फाइनली क्या। हम समझ रहे हैं ये भी इनवैलिड कमेंट नहीं है कि इसको वो खुश है कि डैश मेंबर को लाइंस मिलना चालू हो गया और डैश मेंबर कोरियो लीड करना चालू कर दिया। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ग्रुप का डिसीजन से, क्योंकि किस किस किसी वजह से लिया जा रहा हो सब डिसीजन। तो ओके गाइस, ये सॉन्ग तो हम अभी से 10-15 बार सुन चुके हैं। Hey guys! 10-15 क्यों, 10-15 हज़ार बोल सकते हैं। Today we're going to learn how to add the scrolling animation to your website in ये मेरा नाइट का रेमेडी बन चुका है ये सॉन्ग। तुम लोग होता, तुम लोग कितना जन लवली रनर कंप्लीट कर चुके हैं डेफिनेटली। उफ, लवली रनर मतलब बोलेंगे डेफिनेटली एक मतलब हर एक एपिसोड में वर्थ इट था वॉच करना। कभी कभी ना कोई कोई एपिसोड लगता है ना कि नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा, पर लवली रनर का हर एक एपिसोड मतलब शेफ किस। और हाँ, हम हेयर का बात कर रहे थे, जो ये लोग सी ड्रामा प्लस के पॉप वीडियोस में ये लोग फाइट करता है ठीक ना। मोस्टली मोस्टली देखो, मोस्टली हीरो लोग का ही बाल उठा हुआ रहता है ठीक ना, हेयर स्टाइल किया हुआ रहता है, तो समझ में आता है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले लो, मोस्टली विलन का देखना बाल ये रहता है, ये गिरा हुआ रहता है, ये वाला हेयर स्टाइल रहता है कि वो लोग एकदम नीचे करके रखता है कि हाँ ये चलो ठीक है। जब ये रहता है तो ये कितना भी हिला लो सेट वापस हो ही जाता है कि हाँ थोड़ा सा कोम करने से ये सेट हो जाएगा। बट कोई जब ऊपर करेगा बाल, ये सेट रखने में बहुत टाइम लगता है। ये चीज़ सेट रखने में हम भी तो हो भी नहीं रहा है करना पड़ेगा, बट इसको ऊपर रखने में मेहनत लगता है। ये लोग का फाइट के बीच में भी ये कैसे सेट रहता है आपको जानना है, जादू कैसा है ये हमको बहुत फनी लगता है। हम अकेले सफ़र नहीं करना चाहते, तुम लोग को भी बोल दिया, तुम लोग भी नोटिस करोगे हर के ड्रामा में, सीरियस सीन में देखोगे जब भी पंच पड़ेगा उसका बाल सेट रहेगा, खून निकल रहा बाल सेट रहेगा। एक पता कौन कौन सा हम स्कूल वाला मतलब स्कूल रोमांस था कुछ, हम देख रहे थे कि स्कूल में कोई ड्रामा था जिसमें स्कूल में रोमांस वाला ड्रामा था, हम स्पेसिफिक नाम याद नहीं है। उसमें दो बॉयज झगड़ा कर रहे थे एकदम ग्राउंड वराउंड में लेट टूट के, तब भी वो लोग का बाल कैसे नहीं बिगड़ा भाई। ये लोग को मतलब कैसे बताए फनी लगता है कभी कभी एकदम ऐसा होना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मज़ा आया ये म्यूजिक वीडियो देख के।